अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गए हैं हम आज एक वीडियो लेके, जो हम लेके आए हैं रिव्यू गाड़ी का 660 सीसी ऑल्टो 2006 मॉडल। और इसका जो ये हमारी अपनी गाड़ी है, इसका रिव्यू जो आज मेरे साथ करवा रहा है वो है ऑटोमेटिक करवाइए। ये इसका रिव्यू करवा रहा है आज मेरे साथ अली, ये खड़ा है इधर। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि गाड़ी में क्या क्या करवाया, मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो पहले आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखें, आगे हम लोग फिर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें ज़रा अपनी गाड़ी का पहले इंट्रोडक्शन दें, फिर हम आगे बात करते हैं। ये सुजुकी ऑटो है। तो जब आप सुजुकी ऑटो के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले यही आएगा कि जी मैनुअल गाड़ी है 1000 सीसी। मगर इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और 660 सीसी इंजन है इसका, जिस वजह से इसकी एवरेज जो है वो बहुत अच्छी है। 1000 सीसी जो गाड़ी थी उसकी जो है ना एवरेज आपको अच्छी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, 9 करती है, कोई 10 या 12 करती है। मगर इसमें आपको 17 से 18 की एवरेज मिलेगी। इसमें हमने सुजुकी की का 660 सीसी इंजन इसमें हमने डाला है इसका। आप हमें इंजन दिखाएंगे इसका? जी जी बिल्कुल, आए आप चले हम आपको इसका इंजन दिखाते हैं। तो अली साहब हमें इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन बताएं इस इंजन की। ये आप देख सकते हैं कि ये 660 सीसी इंजन है, तो ये टोटल ऑटोमेटिक हो गया। गाड़ी का इंजन दिखाया है तो ऐसा नहीं है ये चेंज करते हुए बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं कि जैसे कि फाउंडेशन हमें इसकी चेंज करनी पड़ी या तो इसके अंदर नए हमें होल्स करने पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस इंजन जैसे पहले इंजन लगा हुआ था, जिस फिटिंग के ऊपर, सेम उसी फिटिंग के ऊपर ही हमने इंजन लगाया। तो आप भी करवा सकते हैं, गाड़ी को आपको एवरेज अच्छी देगी। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी चलाते हुए ऐसा फील होगा गाड़ी लैग कर रही, गाड़ी लैग कभी भी नहीं करेगी। पिक गाड़ी की बहुत बेहतरीन है। अगर हम गाड़ी लेना चाहते हैं, हमने 660 में कन्वर्ट करवाना है इसको, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है आप हमें बताएंगे? बेहतर यही है कि आप वो गाड़ी लें जिसका इंजन ख़राब हो, बेहतर पहले तो ये है। फिर वो अगर इंजन सही होगा फिर वो आपके लिए तो ज़ाया है ना बिल्कुल। तो आपने इसका इंजन कितने में बेचा है? हमने इसका इंजन बेचा है 24,000 में। तो आपके इंजन की कंडीशन क्या थी? मेरा इंजन बस सही था, ऐसा ख़राब भी नहीं था, ठीक भी नहीं था, बस नॉर्मल के दरमियान। तो अली साहब आप क्या समझते हैं इसकी एसी कंट्रोल करेगी 660 सीसी? हाँ जी बिल्कुल, एसी ज़बरदस्त चलाएगी। तो आप हमें बताएं कि ये आपने कहाँ से करवाई है कन्वर्ट, और ये कितने पैसे लगे हैं आपके? पीको रोड से, मॉडल टाउन जो है ये हमने करवाई है मॉडल टाउन पीको रोड से। जी जी आपने बताया, आप किससे करवाई है, आप नंबर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गब्बर गैरेज है, हमने उनसे करवाई है, ये बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या चार्जेस लेते हैं, उन्होंने आपसे कितने पैसे लिए हैं? तकरीबन 1,00,000 के करीब हमें पड़ गए। जी तो इसमें एसी भी है इंक्लूडेड है आपका? जी एसी भी इंक्लूडेड है। तो ये आपको ऑटो गियर में आई है क्या, आपने मैनुअल में ली करवाई? ऑटो गियर में। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ऑटो में आपको चलाने में कोई फ़र्क लगा कि आपको लगता है मैनुअल बेहतर है या ऑटो बेहतर है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऑटो गाड़ी होनी चाहिए। तो एक दफ़ा हमें ड्राइव करके दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल, ड्राइव करके दिखाएंगे। गाड़ी आप बंद कर दें, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे अब। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इस गाड़ी में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है और पावर विंडो नहीं है। तो आपने करवाया कि आप ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं? नहीं, अभी पावर स्टीयरिंग मैंने करवाया नहीं है, मैं करवाना है। तो ZA कार्स हैं मेन गुमरी रोड पर, तो बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, वो भी यूट्यूब पर बड़ी वीडियो डालते हैं। तो आपने कभी उनसे करवाया है पहले? काफ़ी सुना है, तो मैं उन्हीं से जाके करवाऊंगा। तो आपने उनको पहले कभी आजमाया है कि आप पहली दफ़ा उनके पास जा रहे हैं? नहीं, पहले कभी आजमाया नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कराना है। तो सबसे पहले तो आप सब छोड़ के मुझे ये बताएं कि इसकी एवरेज क्या आ रही है गाड़ी की? 17-18 इसकी एवरेज मुझे मिल रही है इसको। तो इंजन कन्वर्ट करवाने से पहले इसकी एवरेज क्या थी? 9। तो आप सेटिस्फाइड हैं 18 से? जी जी बिल्कुल। 1,10,000 या 1,00,000 रुपये लगाने के बाद अगर 18 एवरेज मिले तो आप क्या कहते हैं कि सही है? बहुत बेहतरीन है। तो आपका क्या माइंड है, आप इस गाड़ी को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं? ये असल में ना ये लेडी कार है जी, ये ऐसा है कि आप शहर में चला लें इसको,
80-90 की स्पीड पे अच्छी चल जाती है, आपको एवरेज भी उस पर अच्छी देगी। तो हाईवे पे भी लेके जा सकते हैं आप, अगर हाईवे पे लेके जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं जाना चाहते ना जाएं। वैसे गाड़ी जो है बहुत बेहतरीन है ये। तो आप हमें अभी हमें ये बताएं कि इसकी एसी की जो कूलिंग है वो कैसी है? बेहतरीन। तो अभी सर्दियों में अभी तो हीटर भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है हीटर का किस तरह काम कर रहा है? और हीटर भी बेहतरीन काम। तो इसकी अगली लेग रूम कैसी है? अगली लेग रूम बेहतरीन है। तो आप अगर पावर स्टीयरिंग नहीं करवाते लोग, तो आप उनको क्या कहते हैं कि आप पावर स्टीयरिंग करवाएं कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं? आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, चलाने वाले पे है। तो ये हम आपको गाइस दिखा देते हैं अभी इसका इंटीरियर भी कि किस तरह का चेंज हुआ है। ये हमने इसको लगाया है, इसमें पी है आर एन डी और टू और एल। ये हमें अली साहब बताएंगे कि किस तरह वर्किंग करते हैं। उसके बाद ये है इसका सेटअप है, पूरा राइड ड्राइव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पिक है गाड़ी की, और गाड़ी पूरे टाइम पे अपना गियर चेंज कर रही है, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा गाड़ी में। यानी बड़ी क्यूट सी चीज़ लगाई हुई आगे सोलर। ये हम अपनी सोसाइटी में ही रिव्यू कर रहे हैं इसका। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि इस अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसके अंदर P है, R, D, N, L, 2 और ये सारे फंक्शंस हैं। तो अली आप मुझे एक करके बताओ कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन है और किस किस तरह वर्क करता है। बेसिकली ये ऑटो ट्रांसमिशन के हैं फंक्शंस। P जो होता है वो आप पार्किंग के लिए होता है, गाड़ी चला रहे हैं आपने रोक दी है फिर आप पार्किंग पर लगा दें। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आता है रिवर्स, रिवर्स बेसिक ओबियसली रिवर्स करने के लिए। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रल, आप न्यूट्रल पे गाड़ी खड़ी कर देंगे स्टार्ट है गाड़ी। फिर उसके बाद आता है ड्राइव, ड्राइव पे आप गाड़ी चलाते हैं फिर उसमें खुद ब खुद गियर चेंज होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना चाहते हैं एकदम से, आप कहते हैं गाड़ी में पिक आ जाए बहुत ज़्यादा, तो आप उसको टू पे कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एल है, एल इसलिए होता है कि जब अगर गाड़ी आपकी कीचड़ में फंस जाती है या फिर आपने चढ़ाई पर चढ़ानी है तो फिर एल यूज़ होता है पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए। तो ये आपको कितने दिन हो गए चलाते हुए गाड़ी? 1 वीक हो गया इस तक। तो अभी आपको गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है अभी 1 वीक में? 17-18 दे रही है। 17-18 चले ठीक है। तो आप हमें एक दफ़ा इसका स्टार्टिंग साउंड चेक करा देंगे गाड़ी बंद करके? तो इसकी साउंड बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग की कोई इतनी ज़्यादा साउंड नहीं है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो मुझे तो ये गाड़ी बड़ी पसंद आई है और ये मेरी ज़ाती गाड़ी है, यूज़ में है, लेकिन अब ये हमने चलानी है। तो एक हफ्ते बाद ये मैं आपको एक और वीडियो दिखा दूँगा कि गाड़ी की कोई मसला तो नहीं आया, कैसी चल रही है। और जिस बंदे ने गाड़ी मॉडिफाई की है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, उसके मैप का भी और उसका नंबर भी। काशिफ उनका नाम है, गब्बर के राज है उनका, मॉल टाउन लिंक रोड पे ही है। आप लोग रिलायबल बंदा है, आप उनसे काम करवा सकते हैं। और किसी किस्म का भी काम हो तो वो करते हैं, सिर्फ इंजन का काम नहीं करते, वो सारे काम करते हैं गाड़ी का, हर गाड़ी का काम करते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।